राहुल गांधी का पीएम मोदी पर लगातार हमला जारी है। राहुल गांधी ने आज फिर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि जुमले हैं वैक्सीन नहीं, वैक्सीन की कमी को लेकर राहुल ने पीएम पर यह हमला बोला है कि जुमले हैं लेकिन वैक्सीन नहीं है। आपको बता दें कई सेंटर से इस तरह की खबरें भी आई थी कि लोग कई जगह नाराज होकर वापस भी गए हैं क्योंकि वैक्सीन वहां पर नहीं मिली लोगों की, और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी ने अब ये ट्वीट किया है और एक बार फिर से पीएम मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी वहीं वैक्सीन को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैक्सीन जुमले हैं वैक्सीन नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम भारत में चल रहा है, लगभग 39 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और लगातार लाखों लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। अब किसी को ना वैक्सीनेशन सेंटर जाना है ना खुद वैक्सीन लगवाना है, तो इस तरह की बातें करने में तो उसको कोई कुछ जाता नहीं है। लेकिन अफवाहें और आशंकाएं फैलाने का काम बंद होना चाहिए और बंद करना चाहिए, इस तरह से कोई फायदा नहीं उनको। कई लेकिन ऐसे सेंटर हैं जहां पर वैक्सीन की कमी बताई जा रही है, इसी बात को मुद्दा बना रहे हैं राहुल गांधी। देखो ऐसा है, जब खुद ये वैक्सीनेशन सेंटर आज तक नहीं गए, वैक्सीन कहते हैं लोग की लगवाई नहीं, तो अब ये कहां से इनको पता लग गया सारी चीज। पंजाब उत्तराखंड के बाद आज गोवा में केजरीवाल ने बड़ा चुनावी दांव चला है। केजरीवाल ने गोवा के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है और पुराने बिल माफ करने का भी दांव खेला है। हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। यूनिट तक हर परिवार को हर महीने मुफ्त दिया जाएगा। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे, और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन MLAs ने किया, आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर तो लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। कर्नाटका के अंदर तो लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। तो इसके ऊपर लोग विचार करेंगे। ये आवाज़ हमारी आवाज़ नहीं है, ये गोवा के लोगों की आवाज़ है। अगर आप जाके पूछें तो गोवा के लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं से भविष्य नहीं बदल सकता। अगर हमें भविष्य बदलना है, वी नीड न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड अ न्यू पार्टी, we need new faces, enough of old parties and enough of old faces। हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।